शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के, और साथ ही हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हैं पुणे से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, आपका व्यू नेचुरल गैस को लेकर क्या है, क्योंकि नेचुरल गैस का भाव जिस तरह से यहां पर बढ़ा है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। दो दिन में 25% की तेजी, 350 तक भाव पहुंच चुका था। आज करीब 4.25% की नरमी है, करीब करीब 15 रुपए नीचे है ये काउंटर। क्या नेचुरल गैस में अभी ये करेक्शन और बढ़ने वाला है? देखिए मृत्युंजय, कल हमने एक शार्प रैली आते हुए देखी थी, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे रहा है। मगर अगर हम इसके फंडामेंटल फैक्टर्स को देखें या फिर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो दोनों ही इवेल्यूएट करते हैं तो पता लगता है कि जो ट्रेंड बना है नेचुरल गैस का वो पॉजिटिव है। हालांकि हमें लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ हो सकता है, बट स्ट्रेटेजी वाइज हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। भाव अगर नीचे 326-327 के आसपास मिलते हैं तो बाय करके चले। हमें लगता है कि ऊपर 336-340 के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं, तो छोटा छोटा ट्रेड इसमें कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड पकड़ा है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें यूज कर सकते हैं। नहीं, ये जो बाय ऑन डिप्स है, और कितना डिप? देखिए, कल हमने करीबन ऑलमोस्ट 18-19% का एक अपसाइड मोमेंटम देखा है, तो इसमें जो अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो करीबन 325 से लेकर 326 के आसपास एक लेवल आता है जहां पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो करंट रेट मुझे लगता है कि बाइंग के लिए नहीं है। नीचे अगर भाव 326 के आसपास मिलते हैं एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, काफी वोलेटाइल कमोडिटी है तो रेट आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 326 के आसपास अगर मिलते हैं रेट तो बाय इनिशिएट करें, मगर करंट रेट से मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आउट ऑफ द मार्केट रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है रवि शर्मा का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि शर्मा जी पूछिए। हेलो जी, पूछे क्या करें सर? अभी मेरे पास सोयाबीन में, कॉटन केक और सोयाबीन में आप जानना चाहते हैं कि अभी करना क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका अनुज। ये दोनों काउंटर काफी एक्शन में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। अब ये जानना चाहते हैं रवि जी कि कॉटन सीड केक यानी कपास खली और सोयाबीन वायदा में अगर ट्रेड की प्लानिंग करनी हो, योजना बनानी हो, तो किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, दोनों ही कमोडिटी अभी एक पॉजिटिव साइड में है। अगर हम कॉटन सीड ऑयल को देखें तो अच्छा बुलरन यहाँ पे दिख रहा है। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के हमें बाइंग साइड में रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में टारगेट हमें लगता है करीबन 2100 रुपए तक हो सकता है, मीन्स करंट रेट से भी मार्केट बाय इनिशिएट कर सकते हैं, तो 100 से 150 रुपए की तेजी कॉटन सीड ऑयल केक में हो सकती है। साथ में अगर सोयाबीन की बात करें तो यहां पर भी हमने एक अच्छा बुलरन आते हुए देखा है, वॉल्यूम इस काउंटर में अच्छे आते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर भी करंट रेट से बाय इनिशिएट की जा सकती है। ऊपर अगर हम टारगेट देखें तो इनिशियली टारगेट 3500 से लेकर 3550 हो सकता है, तो दोनों ही कमोडिटी मुझे लगता है कि बाइंग साइड के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपके लिए सोयाबीन और कॉटन सीड केक पर। लेकिन क्रूड में अनुज, क्या कुछ नया आउटलुक आप बना रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मार्केट में भी जितने फंडामेंटल आ चुके हैं वो फंडामेंटल काफी हैं आगे मार्केट की चाल तय करने के लिए, और उन्हीं फंडामेंटल के आधार पर बाजार का मूव आगे चलता रहेगा अगले कुछ दिनों तक? देखिए, जो फंडामेंटल्स हैं क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो मार्केट है वो ओवर सप्लाइड है, और उसका असर हम देख रहे हैं कि भाव कंटिन्यूअस नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है अब थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में भी है, तो यहां पर थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है। मीन्स करंट रेट अभी 4050 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 4080-4090 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां से हमें लगता है कि जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना चाहिए। 4090-80-90 के आसपास बिकवाली करके चले, हमें लगता है कि नीचे भाव 3950-3970 तक देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो एक्सपेक्टेड है कि $52 तक के लेवल, $52 से लेकर $50 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं, तो हमें लगता है कि सलन राइज की मार्केट रहेगी। थोड़ा वेट करें, भाव ऊपर आए तो बिकवाली करके चलें। ठीक है, सवाल विपुल का है, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, मेरा सवाल कॉपर पे है। मेरा एक लॉट कॉपर बाई है 435.60 पर आपने बाय किया है, और बाजार अभी है 437.30 के स्तर पर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप मुनाफे में ही हैं। लेकिन अनुज, करना क्या चाहिए इस ट्रेड का? कंटिन्यू रखें या फिर बहुत बड़ी तेजी या फिर तेजी की संभावना आपको कम दिख रही है, क्या लगता है आपको कॉपर को लेकर? देखिए, कॉपर में देखें तो सपोर्ट लेवल के आसपास उन्होंने बाय किया है, मुझे लगता है कि इस ट्रेड में बने रहना चाहिए।
हमें लगता है कि इनिशियली 440 से लेकर 445 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। और नीचे जो इनकी पोजीशन है उसमें एक सेफ प्राइस के लिए स्टॉप लॉस 432 का लगा सकते हैं। हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी रहेगी इसमें, और जो इनकी पोजीशन है उसको मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पोजीशन होल्ड करके चलना यहाँ पर ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। और कॉपर की बात तो हुई, लेकिन एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए? आज एल्युमिनियम में ऐसा क्या हो गया कि एल्युमिनियम ने बाकी मेटल्स का साथ छोड़ दिया? अनुज, देखिए एल्युमिनियम अगर देखें तो एज कंपेयर बाकी मेटल से थोड़ा सा नेगेटिव है, और साथ में इसकी इन्वेंट्री हमने दो दिन में बढ़ती हुई देखी है, तो मुझे लगता है उसका असर यहाँ पे रहा है। और टेक्निकली भी देखें तो भाव अब 140 के आसपास, 142 140 से काफी सपोर्ट जोन था, उसको ब्रीच किया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी नेगेटिव ट्रेंड में आया है। बट हालांकि एक बार हो सकता है कि 138 तक का लेवल दिखा सकता है, तो अगर बाइंग करना हो तो 138 137 के आसपास बाय करके चले, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ी 1 से 1.5 रुपए की गिरावट और यहाँ पर हो सकती है। अगला सवाल है ओम प्रकाश का, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए ओम प्रकाश जी। सर जी, लेड और निकल पे सवाल था मेरा। लेड और निकल, जी पूछें। सर लेड बाय मेरा 142 से, दो लोट है। 142 पे आपने दो लॉट बाय किया है लेड जी, और निकल बाय किया है 812 रुपए से, पांच लोट है। बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए मुझे लगता है कि बेस मेटल में सपोर्ट लेवल पे भाव आ चुके हैं, तो दोनों ही कमोडिटी की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने का एरिया लेड में करीबन 144-145 रहेगा, और अगर निकल की बात करते हैं एक्सपेक्टेड है कि 835 से लेकर 840 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कुछ और काउंटर को देख लेते हैं जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। चांदी, अगर स्पेशली चांदी की बात की जाए अनुज, तो ठीक है भले ही इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा तेजी या मंदी की गुंजाइश ना हो, लेकिन अगर 3 से 4 महीने या 6 महीने का नजरिया रखा जाए चांदी के लिए, तो क्या ठीक रहेगा खरीदना इस लेवल पर चांदी? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि भाव करीबन 36,450 के आसपास है, 14,000 के आसपास भाव आ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये जो रेंज रही है, अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो यहीं से मार्केट बाउंस होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अगर किसी का नजरिया है 4 से 5 महीने का या 1 साल का भी, तो मुझे लगता है कि रेट बहुत अच्छे हैं जहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। कभी भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि 38 से लेकर 39,000 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें तो हमारा आउटलुक एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी हमें लगता है कि 42,000 से लेकर 40,000 तक के लेवल चांदी में मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये रेट जो है वो काफी भी अट्रैक्टिव है जहां पर बाय इनिशिएट की जा सकती है। अगला सवाल है आनंद का, उज्जैन से हमारे साथ, पूछिए आनंद। अरे सर ये चले में 10 रुपए किलो कब तक बढ़ सकता है? क्या सवाल है आपका? अरे चले के भाव 10 रुपए किलो कब तक बढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ से 10 रुपए किलो और कितनी दिन में हो जाएंगे? 10 रुपए प्रति किलो तक चने के दाम कितने दिनों में बढ़ सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, किलो में पूछा है। ठीक है बताइए अनुज जी, 10 रुपए प्रति किलो तक की तेजी चने में कब तक आ सकती है? देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 4,000 से लेकर 4,700 रुपए तक की तेजी यहाँ देख चुके हैं, करीबन 700 रुपए की तेजी यहाँ पर आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी एक मार्केट कंसोलिडेशन फेस में रहेगा, और हो सकता है कि एक बार अगेन भाव 4,400 तक आते हुए दिखाई दे, क्योंकि अगर हम करंट फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पर जो एरिया है चने का वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और आने वाले 2-3 महीनों में यहाँ पर जो एक्चुअल फिगर है वो आती हुई दिखाई देगी, और माना भी जा रहा है कि जो चने या पल्सेस की जो क्रॉप एरिया है वो बढ़ सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हो सकता है, मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर भाव नीचे मिलते हैं 4,400 के आसपास तो बाय करके चले। ऊपर अगेन हमें लगता है कि 4,700-4,800 तक के लेवल हो सकते हैं, बट जैसा सोच रहे हैं कि 10 रुपए किलो की तेजी वो मुझे लगता है कि अभी काफी दूर है वो तेजी देखने को। अगला सवाल अविनाश का है, यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए अविनाश। सर मैं जानना चाहता हूँ मेरे 285 रुपए से दो लॉट नेचुरल गैस सेल है। 285 रुपए। ओ माय गॉड, 285 पर आपने शॉर्ट किया, अभी तक बने हुए हैं आप? अनुज क्या रास्ता? देखिए मुझे लगता है कि इनको एक स्टॉप लॉस है जो कि करीबन 345 का है, काफी बड़ा स्टॉप लॉस है, बट मुझे लगता है कि वो होल्ड करके चले। नीचे अगर भाव इनको 310-305 तक मिलते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि एक बार आ सकते हैं, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो अगर मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी से पहले एक बार दिखा सकता है लेवल, तो वहां पर वो एग्जिट कर लें, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो अभी काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा करेक्शन करके फिर बाइंग साइड में आएगा। ठीक है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था जैन आपका और अनुज गुप्ता आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि शाम के कारोबार में
कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।